तो ये लोशन डाला हुआ था खुश करने के लिए जो कल का हमने, ये तो अभी वेस्ट हो गया। वो आगे तक आप देख सकते हैं कि नज़र आ रहा है। बाकी ये तकरीबन हमारे पास 2 दिन का स्टॉक रहता है खुश्क लोशन जो है, तो अभी ये 2 दिन इसको गुजारा करेंगे। बाकी जो खेत में कटा हुआ है जा रहा है वो भी ख़राब हो जाएगा, अभी वो भी काम में नहीं आएगा। तो बाकी अभी आपको फार्म की हालत दिखाते हैं। पूरा निज़ाम जो है ना धर्म भरम हुआ हुआ है, हर चीज़ ऊपर नीचे हुई हुई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज बारिश के बाद मनाजर आपको दिखाते हैं। लोशन जो है हमारा, वो जनाब जो खेत में कटा हुआ था वो वहाँ पर ही बिक गया है। जो स्टॉक करने के लिए डाला हुआ था साथ में वो भी गीला हुआ है। तो अभी इमरजेंसी नाश्ता करवा रहे हैं हम बकरियों और बकरों को, थोड़ी देर शॉपिंग होती है तो फिर बाकी रूटीन में आ जाएंगे इंशाल्लाह शाम तक। फिर हम लोग बस है, आज जरा बारिश ने बारिश ने आज माहौल खराब कर दिया है। सुबह जनाब नमाज के बाद शदीद तूफान से शदीद बारिश आई है। ये कोई सुखा सुखा खिला के गुजारा कर रहे हैं इन्होंने, में जित फिर इन्होंने लोशन पाने हैं। बताओ जी सारा मंजर बारिश के बाद की हालात हुए। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रब की रहमत आई थी जनाब। आप सुबह सुबह आज खास करके इन इलाकों में तो जनूबी पंजाब में मौजूद हैं, इनमें तो बहुत ज़रूरत है। पिछले दिनों शदीद लोएं चल रही थी तो ये साहिबान वगैरह जनाब सब गिर गिर गए हैं। ये साहिबान तो इतनी शदीद हवा आंधी आई है कि उड़ के छत पर चले गए हैं। तो अभी ये इनको ज़रा नाश्ता वाश्ता करा के उसके बाद फिर ये सेटिंग शेटिंग करते हैं। आलू के पराठे